मिनट ले लो। नहीं नहीं एक मिनट लेते हैं, बस हो गया। बस ठीक है, ठीक है, चलो बैठ। कोतवाली नगर का मामला है, एक व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी एक कालगल के नाम से बना करके उसमें देवकाली निवासी डॉक्टर अनुराग वाजपेयी का मोबाइल नंबर डाल दिया था और जिससे कालगल से संबंधित काल डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के मोबाइल पर आने लगे थे और उन्होंने परेशान होकर के थाना कोतवाली नगर में तहरीर दिया जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ और इसमें अभियुक्त अभिषेक मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा निवासी नया रुआ करेली जनपद प्रयागराज गिरफ्तार हुआ है और अभियुक्त अभिषेक मिश्रा द्वारा डॉक्टर साहब से संपर्क करके अपने को गूगल का कर्मचारी बता करके उनसे मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया और जिससे उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया। अभियोग की विवेचना करके आवश्यक कार्यवाही की जाए। सप्लाई को मेरे पास कुछ अवांछित कॉल्स आने लगे जिसमें मुझसे लड़की सप्लाई करने की मांग की गई और भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। तो इसके लगातार कॉल इंटरनेशनल नंबर से और नेशनल नंबर से मेरे पास आने लगी। तो 27 जुलाई को मैंने ये तहरीर महोदय कोतवाली सुरेश पांडे जी को दी। सुरेश पांडे जी ने इसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मैं इस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई करूंगा, मगर कार्रवाई में थोड़ा विलंब होने के नाते ये मैंने फिर साइबर सेल में दिया क्योंकि ये साइबर का मामला होने के नाते मैंने साइबर सेल के पास गया। तो बार बार फोन आने लगे मेरे पास, काफ़ी कॉल्स आए जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी कोतवाली और साइबर सेल में दे चुका हूँ। जब मेरे पास फ़ोन आने लगे उसके बाद मैंने अपनी जाँच पड़ताल स्वयं की कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ने जब फ़ोन किया मुझे लड़की की डिमांड करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उसने ये मुझसे कहा कि फेसबुक एक पेज बना हुआ है दिल्ली कॉल गर्ल के नाम से जिसमें ये नंबर शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है आपका। उसके बाद ये बात जानकारी मैंने आगे साइबर सेल में दी, तो साइबर सेल वालों ने उसको लिया और उन्होंने कुछ कॉल डिटेल्स मुझसे मांगी कि ये इन नंबर से आपके पास कभी फ़ोन आया था या कभी मिलने आया था। तो उसमें से एक नंबर था 72 75 28 28 28। तो ये नंबर मेरे पास आया हुआ था। ये आदमी भी पहले मुझसे एक बार प्रचार के माध्यम के लिए मिलने आ चुका था 3 जुलाई को, जिसको मैंने पेमेंट करने से मना कर दिया था क्योंकि ये पेमेंट मुझसे बार बार मांग रहा था। इस प्रकरण को आगे ना बढ़ाते हुए इसको मैंने मना कर दिया था। उसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लड़का निकला, तो मैंने इसमें थोड़ा दबाव बनाया कि आप लोग करिए इसको, जल्दी से इसको पकड़ के लाइए क्योंकि मेरे पास कॉल्स आना बंद नहीं हो रही थी। हम ये सोच के फ़ोन उठाएं कि मरीज का फ़ोन है और फिर फ़ोन उठाते ही गंदी गालियां और लड़कियों सप्लाई की बात की जाती थी। बहुत धुमी धुमी मानसिक रूप से मैं बहुत प्रताड़ित हुआ और कई रात में सो नहीं पाया। इसके लिए मैं इसमें ये कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को और शहर का जो पेशेदार चिकित्सक है वो तो सम्माननीय व्यक्ति है, उसकी छवि को इस तरह से धूमिल करना समाज के लिए तो खतरनाक है ही है, आगे आने वाले और वर्ग के लोगों के